यार हसन भाई कहाँ लिया यार आपने, तो दिल खुश कर दिया। अच्छा मैं कमाल बात बताऊँ, मेरी वालदा कहती थी जब छोटा था ना बचपन में, बोलती थी कि जब किसी को दिल की बात करनी हो ना तो ये जो जगह है ना उसकी बहुत अहमियत होती है। मैं पर्सनली आपको बताऊँ, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं बहुत सारे, बल्कि ज़्यादातर देखे, यकीन करिएगा आपकी बातें इंटरव्यू तो है ही ज़बरदस्त, लेकिन जो आपकी लोकेशन है ना, नहीं नहीं आपके जर नवाजे आए ना इस तरफ खड़े हो ना, लोकेशन तो आपकी यकीन करिएगा कि फीलिंग आती है यार। अच्छा शहर के अंदर ये आपको ये हुरर में पकड़िएगा, शहर के अंदर ये कैसे तुम्हें आपको ये शहर के अंदर ना ये आपको ये चिड़िया की आवाज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक मिलेगी, ट्रैफिक कोयल की आवाज़ नहीं मिलेगी, यही बात है, हॉर्न बज रहा होगा। अब आप भी पीछे देख रहे हो यार ये क्या है यार, वो माहौल नहीं आ पाएगा। वो चीज़ अगर आपको कोई चीज़ कनेक्ट, इमोशंस का बड़ा ताल्लुक होता है जगह से, तो मेरी कोशिश होती है यार कि मैं उस भीड़ से सबको दूर लेकर आऊं, इंसान का अंदर का आदमी निकले बाहर। कैसा लगा आपको माहौल? खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया, ये बड़ा ज़बरदस्त, मैं तो आपके इंटरव्यू देखता रहता हूँ भाई, ये फीलिंग्स आती है अंदर से यार। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, ये चुड़ियाओं का चहकाना, ये हवाएं, ये आपको शहर में थोड़ी मिलेगा भाई। शहर शहर वीरान हो गया खुदा की कसम, यकीन करे, क्योंकि शहर में ये आवाज़ें नहीं है, बिल्कुल ये चुड़िया की आवाज़ नहीं आती, ये हवा में ताजगी नहीं है, ये कोयल की आवाज़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, सही ये बात, पत्तों की आवाज़ें हैं ना, तो मेरी नज़र में शहर वीरान है। बिल्कुल हकीकत बात है यार, मज़ा आ गया वैसे। कव्वाल का और पान का जन्म जन्म का साथ है, ये अजीज मियाँ से शुरू हुआ, ये अजीज मियाँ साबरी ब्रादर। अच्छा आपने भी देखा होगा, मकसद 99% कव्वाल पान खाते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल खाते हैं। सो पान और चाय, आप इनको खाना मत दें, आप इनको पान दे टाइम से और चाय दें। तो पान का और सुर का बहुत गहरा ताल्लुक, पान का सुर का ताल्लुक नहीं है, सुर है अल्लाह की देन, लेकिन पान खाने से गला ये नसें गर्म हो जाती है। अच्छा ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ये नसें गर्म हो जाती है कि आपके जो नोट नहीं लग रहे, जो सुर आपके नहीं लग रहे, वो भी लगेंगे आपके। मौलाली नल निस्बत मेरी हो, मौलाली नल निस्बत मेरी, चढ़ गया मैनू है दर रंग, अली दम लंग में ते अली दम लंग में ते अली दम लंग, अली दा मलंग में ते अली दा, अली दा मलंग में ते अली दा। अजीज मियां कव्वाल के वो फिल्मी कव्वाल थे कि बस वो बैठे उनको आमदें हो रही है और वो सारी सारी रात लगा देते थे। फिल्मी का मतलब वो लिखे नहीं, उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था कि यार आज मुझे ये पढ़ना है। वो गए हैं प्रोग्राम में, उन्होंने लोगों को देखा है, वो जांचते थे इस बात को ना कि यार ये क्राउड या ये लोग ये क्या चाह रहे हैं। वो बैठे, उन्होंने शुरू किया और पागल कर दिया आवाम को यार। नुसरत फ़तेह अली, इंडिया जिनके आगे ऐसे खड़ा है, उनकी कौन कौन सी कवाली है, जैसे दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, इको विरद है दम दम अली अली, इको विरद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, लजपाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर। देखें आप ये, अब मैं आपको बताऊं, ये समझ लें कि समंदर में से एक कूजा है, एक कतरा है। आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनेंगे कि उनका कंपोजिशंस, उनके लिरिक्स ख़त्म नहीं होते, उनके गाने हिट होते हैं उनके इंडियन फिल्मों में। मैं कह रहा हूँ हसन भाई, उनके गाने उनको गा के सिंगर बन गए लोग, कितने सिंगर हैं जो उनको गा के बन गए, जिनको उन्होंने क्या किया कि बस खास साहब को फॉलो करना है। नईम अब्बास रूफ़ी ये समझ लें कि आज दुनिया में मानवा नाम है, उस्ताद आदमी है, और सिर्फ नुसरत को गाते हैं, और सिर्फ नुसरत को गाते हैं, अपने अंदाज उन्होंने नुसरत को फॉलो किया। नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी जब वो हयात थे उन्होंने बोला था, बिल्कुल है, बिल्कुल मुझे सुनने में नईम अब्बास रूफी, अगर मुझे सुनना है तो आप नईम अब्बास रूफी को सुने, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा टैलेंट है वो पाकिस्तान का। मगर यार नईम अब्बास रूफी को भी ज़ाया किया ना हमने, क्यों किया? देखें मैं फिर वही बात करूँगा हसन भाई कि यहाँ पे प्रमोट करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन फिर मैं ये बोलूँगा कि कव्वाली का फुकदान
यहाँ पे सुनने वाले का ज़्यादा फुकदान है, टैलेंट है सुनने वाले, गाने वाले हैं सुनने वाले, वो नहीं है जो गाने वाले, वैसे समाते नहीं है। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, चलो मदीने चले, हम सब मदीने चले, हसन भाई मदीने चले, हम सब मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप की जूतियों के सदके मैं अमेरिका गया हूँ, यूके गया हूँ, कनाडा गया हूँ, दुबई गया हूँ, आधा यूरोप मैंने घूमा हसन भाई, और इंडिया की तो आप बात मत करें, समझ ले कि हमारा घर है। हसन भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बड़ी इज्जत देता है, इसी की खाई है, इसी से कमाया है। यार मुझे याद है कि मैंने हसन भाई 4.5-5 घंटे मैंने कवाली पढ़ी है, 5 घंटे यानी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, घर के रियाज की बात नहीं कर रहा, वो तो 10-10 घंटे भी होता है भाई, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, प्रोग्राम में 5-5 घंटे नॉन स्टॉप में गाया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। कोई ब्रेक भी नहीं, मतलब नॉन स्टॉप कोई ब्रेक नहीं है। देखे यार हसन भाई, आप सपोज मैं आप पे मिसाल देता हूँ, आपके घर का प्रोग्राम है, आपने लाखों रुपये अपने घर में लगाए हुए, ये डेकोरेशन करवाया, ये करवाया, वो करवाया, आपने मुझे बड़ी हैंडसम पेमेंट दे के बुलाया, ठीक है, तो आपका जब तक दिल नहीं भरेगा ना भाई, आप उठने नहीं दोगे मुझे। सिंगर के लिए तो बहुत आसान है, 2 गाने गाए 3 गाने गाए फिर दूसरा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सिंगर तो एक समझ लो, वो तो पीछे 4 सिंगर और खड़े, एक स्टेज पर खड़ा है ना, हाँ। तो पीछे 5 और खड़े भाई, कव्वाल एक है, अच्छा कव्वाल एक है, गाने सारे हैं, उससे नाद भी पढ़नी है, उससे हम भी पढ़नी है, कव्वाली भी गानी है, उससे कव्वाली भी गानी है, उसने गजल भी गानी है, और जो फरमाइश हो गई वो भी पूरी करनी है। हम रातों को उठ उठ कर, हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने शबिस्ता में, वो अपने शबिस्ता में आराम से सोते हैं, हम रातों को, रातों को, रातों को, रातों को, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं। किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं, किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं। तो मेरे वाली साहब हमें सिखाते हैं घर में बिठा के लफ्ज़ की अदायगी, सुर कहाँ लगाना है, कलेक्शन, क्योंकि देखिए ये लाइव काम होता है, ये कैसेट तो है नहीं, सीडी तो है नहीं कि हमने 4 चीज़ें याद करी गाए चले गए। अब हसन हम सोच के आए कि हमने गाना है ताजदार है, हसन भाई ने हमसे बोला यार आज तो मुझे भरदो जोली सुना दो, अब वो याद होना, अब वो मुझे याद नहीं है, तो हसन भाई बोलेगा बॉस और कवालियाँ तो बेशुमार हैं, और कवालियाँ तो मैं कह रहा हूँ ख़त्म नहीं होंगी, इतनी है, साल के दिन ख़त्म हो जाएंगे भाई, वो कवालियाँ ख़त्म नहीं होंगी, और किसी की भी फरमाइश आ सकती है, और किसी की भी आ सकती है, इंडिया से लेके पाकिस्तान तक किसी की भी, और हमें ये सब याद होनी चाहिए, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये सब याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है लोगों को खुश करना है, और अगर याद नहीं होगी तो याद नहीं होगी तो बॉस फिर हम समझे जलील हो गए, क्योंकि हमें तो सुनने के लिए, अब हम तो गा रहे हैं ना, हमें तो सुनने के लिए बुलाया, अगर हम आपको नहीं खुश कर पा रहे तो हम आपके किस काम के भाई। तो हमें अल्लाह की मेहरबानी से ये वालिद की तरबियत है कि अल्लाह का शुक्र है हम जहाँ पे भी जाते हैं उनकी जूतियों के सदके इज़्ज़त लेके आते हैं। मेरे वालिद साहब जमील अहमद हाजी ग़ुलाम फरीद साबरी के साथ उन्होंने प्ले किया, अच्छा माशाल्लाह, 20-25 साल, उसके बाद शहीद अमजद साबरी के साथ उन्होंने प्ले किया। अब आप हसन भाई यकीन करिएगा कि अमजद भाई को अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके बेटे हैं मुजद्दी साबरी, वो उनके साथ भी प्ले कर रहे हैं, यानी साबरी ब्रादर्स की तीसरी नस्ल है जिनके साथ वो प्ले कर रहे हैं, जमील अहमद जो मेरे वालिद। जो इब्ने मुर्तजा ने किया काम खूब है,
कुर्बानी है हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा जहरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हजरत शब्बीर की है जात। मैदान करबला में शहे खुश किसाल ने, मैदान करबला में शहे खुश किसाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ फीस देते हैं, हमारा जो कवाली फील्ड में, कवाली से जो हम वाबस्ता हैं, इसमें उस्ताद की बड़ी कदर है, बड़ी इज्जत है। अगर हम पानी का गिलास लेके आ रहे हैं उस्ताद के पास और वो हमारी तरफ नहीं देख रहे या वो रियाज में लगे हुए हैं, तो हमारी मजाल नहीं है कि हम उनसे बोल दें कि उस्ताद जी हम आपके लिए पानी लाएँ, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हम फीस दे के नहीं सीख रहे, हम अपनी अकीदत से सीख रहे हैं, हमें काम सीखना है, हमें आगे इज्जत पानी है, तो उनकी कदर करनी है। आप यकीन करिएगा कि मेरे वालिद जहाँ पे उनकी जूतियाँ पहुँच गई है, शायद हमें पहुँचना नसीब ना हो। हसन भाई, मैं आपको बताऊँ, आजकल के माशरे में, आजकल के दौर में बड़ों की इज्जत ख़त्म हो गई है। हमारे वालिद पहले घर पर आते थे, हम खेल रहे होते थे ना, तो आप यकीन करिएगा हम साइड में हो जाते थे, हमारी मजाल नहीं होती थी हम उनके सामने कुछ बोले। देखिए, ये हमारा काम है ना, ये हमारे लिए इज्जत है, हम उसको अच्छा पेश करेंगे तो लोग पूछते हैं यार ये किसका शागिर्द है। अली मौला अली दम दम, 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 वलिया देसी रदाए ताज अली अली, मोमिना दी बस है मेरा जली अली, वलिया देसी रदाए ताज अली अली, मोमिना दी बस है मेरा जली अली, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम। कवाल आपको पूरी दुनिया में एक ही माइंडसेट मिलेगा आपको उनका, चाय पीना, गाना, पान, ये वो। अफजाल इकबाल, इंडिया के कवाल बड़े मशहूर है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त, ये कौन है? अफजाल इकबाल। और ये किन के शागिर्द हैं? अब बात चल निकली है तो जाने कहाँ तक पहुँचे दिल के अफसाने, निगाहों की जबान तक पहुँचे। हाजी ग़ुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी, साबरी ब्रादर्स, किंग ऑफ कवाल, इनके शागिर्द हैं ये अफजाल इकबाल, जिन्होंने गाया तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तो इंडिया का भी कल्चर ऐसा ही है, बैठना, इधर जाना, उधर जाना, होटलों पे बैठना। कवाल भी बड़े वहाँ पे इज्जत देने वाले लोग, बड़ी इज्जत देते हैं, जितना भी बड़ा नाम हो, लेकिन अगर फिल्मों में उन्होंने गवाना है ना, कवाली करवानी है फिल्मों में, तो भाई वो पाकिस्तान से असेंबल होके जाते हैं, यहाँ से ही नाम जाता है। साबरी ब्रादर, नुसरत फ़तेह अली, अजीज़ मियाँ, अभी देखें अजीज़ मियाँ का रिमिक्स किया, सही है, उनके बेटे यहाँ से गए उन्होंने। पर मकसद ये समझ ले कि पाकिस्तान ही कवाली का मरकज है। अमजद साबरी भी वहाँ पे गा चुके हैं। अमजद साबरी हल्ला बोल फिल्म में गाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, पियाजी अली, बिल्कुल। तो भाई मैं कह रहा हूँ, ये कवाली का मरकज तो पाकिस्तानी है, ये जितने भी फॉलोवर्स हैं ना इंडिया में, ये सारे पाकिस्तान के जो कवाल उनके फॉलोवर्स हैं। फिर जब वो फ़ोन बजता है ना, तो होटल पर जो कवाल बैठा होता है ना, तो सबसे पहले फ़ोन उसके पास आता है, अब वो होटल पर बात कर रहा होता है, हिंदुस्तान से फ़ोन कहाँ से आ रहा है उसको नहीं पता, वो देखता है यार कंट्री से बाहर का नंबर है, ठीक है, अब वो हिंदुस्तान से किस म्यूज़िक डायरेक्टर का आ रहा है उसको नहीं पता। हाँ, मकसद बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके फ़ोन आते तो वो बोलते हैं जी हम फला कवाल बोल लें, तो सर बोले अब आपको आना ज़रूरी है, हमने यहाँ पे अपने घोड़े खोल लिए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग, कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग,
पानी न समझिए आग है आग, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह हूँ मैं आकर तो देखो। कहाँ पैदा हुए आप? कहाँ पर? कराची में पैदा हुए, जमशेद रोड पे हमारी रिहाइश है और वहीं पे अभी तक माशाल्लाह हैं, और वही हमारी रिहाइश है, वो इलाका, दोस्त यार ये वो सब वही है, वहाँ पे हमारा रहना, दोस्तों में बैठना। अच्छा प्रोग्राम नहीं है, फ़ोन किया कहाँ हो यार? वही चाय के होटल पे। वो चलो भाई कहाँ पे आना है भाई, वो फला जगह पे होटल पे आ जाए यार, वो उसके होटल पे ला भाई, दो घंटे बना दे, बैठे रहते मैंने सुना है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा वहाँ घंटों बैठते हैं ना, पहले भी लगती हुई वहाँ पे तो आप लोग बिल्कुल वहाँ पे। अच्छा हम बैठते हैं ना होटल में, चाय के होटल पे, तो हम रख दो ना नीचे, हम चाय के होटल पे बैठते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम फजूल बातें कर रहे हैं, हम वहाँ पे भी काम की बातें कर रहे होते हैं। हाँ भाई क्या सीखा आज, कितने पढ़े? अच्छा उस्ताद से तो बताते हैं कि यार ये सीखा, ये पढ़ा, इतने पढ़े। तो पाकिस्तान में एक कल्चर है कि जो कवाल होगा ना वो चाय के होटल पे ज़रूर मिलेगा। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, मज़े की आपने ये बात छेड़ दी, तो अब आपको मैं एक बात बताऊं, कव्वाल का और पान का जन्म जन्म का साथ है। ये अजीज़ मियाँ से शुरू हुआ है, ये अजीज़ मियाँ साबरी ब्रादर। अच्छा आपने भी देखा होगा, मकसद 99% कव्वाल पान खाते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल सो पान और चाय, आप इनको खाना मत दें, आप इनको पान दें टाइम से और चाय दें, सही है। कवाली पढ़ने से पहले तो जरूर खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। अच्छा बस दवा ऐसा होता है कि यार पान है ना मुंह में रखा गारे, फंदा भी लग जाता है। अच्छा जी, खांस भी रहे हैं, फंदा भी लग रहा है, लेकिन गारे कुल्ली करली गारे। मकसद कहने का पान का और कव्वाल का साथ कभी तो नहीं छूटेगा। अजीज में तो पानदान भी रखते थे, वो सात पानदान रखते थे, साबरी ब्रादर सात पानदान रखते थे, सही है। ये पान का और कव्वाल का जन्म जन्म का साथ है। आप कितनी उम्र से खा रहे हैं यार? ये जब से मैंने होश संभाला ना मैं भी पान खा रहा हूँ। अच्छा जी, तो पान का और सुर का बहुत गहरा ताल्लुक। नहीं पान का सुर का ताल्लुक नहीं है, सुर है अल्लाह की देन, ये होता है गॉड गिफ्टेड, लेकिन पान खाने से गला, ये नसें गर्म हो जाती है। अच्छा ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ये नसें गर्म हो जाती है कि आपके जो नोट नहीं लग रहे, जो सुर आपके नहीं लग रहे वो भी लगेंगे। शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं, पिलाई है इस नजर से तुमने के आज अपनी खबर नहीं है, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाहों ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे शराब पीना सिखा दिया। जो पान की एक डंडी होती है ना, आप यकीन करिएगा बहुत से कवाल ऐसे हैं कि पान तो बनवा लिया, अब वो पान वाले होते हैं ना उनसे बोलते हैं यार वो डंडी काटते हैं, देखा होगा आपने पान की दुकानों पर डंडी काटते हैं, वो डंडी पान वालों के लिए, बहुत से पान वालों के लिए जमा करके रखते हैं कवालों के लिए। जी वो आते हैं, वो बहुत गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म होती है। अच्छा। तो पान और कवाल ऐसे हैं, समझ रहे हो? अब बात चल रही थी होटल पर, तो हम होटल पे दोस्त को फ़ोन करें, कहाँ बॉस? वो कहता है यार यहाँ पे हो, आओ यार फला होटल पे आओ, बैठे हुए फला होटल पे पढ़ा लिया यार, चार कट लिया, चार कट आ गए। अब वो पूछ रहे हैं यार क्या है आज, कल का क्या प्रोग्राम था, कल कैसे रहे, आपने कैसा कॉन्सर्ट किया, ये किया वो किया। बात म्यूज़िक पे ही होनी है हमारी, का बात कवाली पे ही होनी है, शुरू भी वहीं से होनी है, ख़त्म भी वहीं से होनी है। ठीक है ठीक है। तो चाय भी पी रहे हैं, चार कट लिया, मलाई मार के लाइए यार। अब वो पठान देख रहा है भाई अभी तो पिए यार, मामा क्या करता है यार। अब वो अच्छा वो भी दोस्त है हमारे। अच्छा। क्योंकि अभी से थोड़ी यार सालों से उनके होटलों पे बैठ रहे हैं, अरे नाम से जानते हैं ना, अरे यार मामा अभी तो तुमने चाय पिया, अरे यार तू लिया यार मसला नहीं। तो ये हमारी ज़िंदगी है असल में, हम ये समझ लें हम रात को जागते हैं भाई, दिन में सोते हैं। सही है, दिन में हम सोते हैं, हम रात को जागते हैं, रात को इन्जॉयमेंट करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अगर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम, नहीं तो अपने बैठे हुए रियाज कर रहे हैं, दोस्त को बुला लिए इधर से, उसको बुला लिया, साथियों को बुला लिया, कमरे में बैठे हुए रियाज कर रहे हैं, तीन तीन घंटे रियाज चल रहा है, चार चार घंटे रियाज चल रहा है, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यार अब अगला जो प्रोग्राम है, अगला जो कॉन्सर्ट है कवाली है, उसमें ये गाना है। देखें मेहनत का सिला अल्लाह देता, अल्लाह कहता मैं किसी की मेहनत नहीं रखता, आप मेहनत करोगे वो रायगा नहीं जाएगी। तो जो हम वहाँ पे रियाज करते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं,
आप यकीन करिएगा, हम वहाँ पे 4 घंटे रियाज करते हैं ना, तो हमें 10 साल की इज्जत मिल जाती है प्रोग्राम में। इतनी इज्जत मिलती है कि 10 साल भी अगर हम समेटें तो वो कम है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा क्या होगा। साबरी ब्रदर्स कवाली के ये समझ ले किंग हैं। साबरी ब्रदर्स जो हाजी गुलाम फरीद साबरी, मकबूल अहमद साबरी, ये कवाली के ये बड़े लोग हैं और हम इनको सुनते हैं, हम इनको आज भी सुन के गाते हैं, क्योंकि ये इन्होंने ये समझ ले कि कवाली है, ये एक अकेडमी है, ये एक इंस्टीट्यूट है, और बड़े आला गाने वाले, सिलेक्शन इनकी बड़ी ज़बरदस्त, इनकी कंपोजिशंस बड़ी ज़बरदस्त, लिरिक्स इनके ऐसे, और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये आप ना पूछें, इनकी पूरी दुनिया में सुनी गई है। इसमें ताजदार हरम, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम।